हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडीज जिला। आज के सेशन में आज का सेशन जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट में जितने भी एक्ट या जितने भी पॉलिसीज होती हैं उन सभी को आज हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, जिस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह इक्वली इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण भी है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डे बाई डे अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है एक्ट होते हैं और या फिर पॉलिसीज होती हैं वो अक्सर जो है एग्जाम में इनका जो डेट होता है वो पूछा ही जाता है। तो क्यों ना हम इन सभी एक्ट और पॉलिसीज़ को याद कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एक्ट और पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्ट और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक्ट जो होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है, तो जब वो बिल कम्प्लीटली पास हो जाता है यानी लोकसभा से, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट की जब मुहर लग जाती है, तो वो बिल क्या कहलाता है? एक्ट होता है। और जो एक्ट होता है वो मैंडेटरी होता है, यानी सबको फॉलो करना जो है वो मस्ट होता है, यानी वो क्या होता है जो उसको मानना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर पॉलिसी की बात करें, मेन डिफरेंस यही है कि जो पॉलिसी होती है उसको मानना या ना मानना वो आपके हाथ में होता है। तो पॉलिसी जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन एक्ट जो होता है वो मैंडेटरी होता है, उसको मानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यानी अगर आप एक्ट फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मे बी पनिश भी किया जा सकता है, लेकिन पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये था मेन डिफरेंस, एक्ट और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद में जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है वो एक्ट्स या फिर पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉलिसीज़ को देखेंगे या फिर उन एक्ट्स को देखेंगे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है यानी वन से रिलेटेड है। तो वन से सभी हम जो है पॉलिसीज़ या फिर एक्ट को लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फिर देखिए, अभी हम उन सभी एक्ट या पॉलिसीज़ को लिख रहे हैं जो वन से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। देन आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण एक्ट, हिंदी में एक्ट को अधिनियम बोलते हैं और पॉलिसी को नीति, ये ध्यान रखिएगा। ये आया था 1980 में। उसके बाद चौथा आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो ये देखिए, चार हम देखिए, इन सभी में फॉरेस्ट आ रहा है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट, इन सभी को, इन चारों को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, इंडियन, तो अगर जिन जो बच्चे हिंदी से रिलेटेड है उनको मैं समझा देती हूँ। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी भारतीय वन अधिनियम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो ये सब है, देखिए ये जो है जितने भी रिलेटेड, ये मैंने फॉरेस्ट से रिलेटेड बताया है। अब इनको याद करते हैं। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले से मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन प्लान बनाते हैं कि चलो आज साथ में जो है जो इंडियन फॉरेस्ट है यानी जो भारत के जंगल हैं उनमें घूम के आते हैं। ठीक है, यानी इंडियन के जंगल में यानी भारत के जो जंगल हैं उनमें दोनों साथ में घूमने जाते हैं। तो दोनों साथ में घूमने जाते हैं यानी 27। ठीक है, दोनों साथ में घूमने जाते हैं, ये ध्यान हो गया। कहाँ जाते हैं? भारत के जंगलों में। ठीक है, उसके बाद है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे? जब वो जाते हैं घूमने तो क्या वो सब ये डिसाइड, वो एक दोस्त जो है यानी एक जो दोस्त है वो दूसरे दोस्त से बोलता है, अब जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही उन्हें, है ना। तो दूसरा दोस्त, एक दोस्त दूसरे से बोलता है पान दो, पान होता है ना, पान दो, पान मांगता है अपने दोस्त से। तो पान से बनाएंगे पाँच
और दो से बनाएंगे दो, जिस तरीके से हम बनाया हमने बनाया था कि दोनों साथ में जाते हैं तो दो साथ, और क्या मांगता है एक दोस्त दूसरे से मांगता है कि पाँच दो, यानी पाँच और दो। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। तो ये तो हो गए उनके खाने पीने की बात, अब दोनों बातचीत क्या करते हैं। तो बातचीत ये क्या करते हैं कि एक दोस्त बोलता है कि आज के टाइम में जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करना है यानी कि वन को संरक्षण प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिर्फ आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, बस खाली वो यही बोलते हैं मुख्य मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज के समय में। तो आज के समय में क्या है ज़रूरी है, ज़रूरी है क्या फॉरेस्ट को कंजर्व करना। तो आज से देखिए आज से क्या वॉइस आ रही है, किस नंबर की, आज से एक तो बनेगा नहीं, दो तो बनेगा नहीं, सिर्फ आठ बन रहा है। तो आज से हम बनाएंगे आठ, और ज़रूरी ज़ो, ज़ो से क्या बनता है ज़ीरो, तो 1980। उसके बाद देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जो आई थी उसी का ये संशोधित रूप है, यानी इसका जो है वो संशोधन किया गया था, संशोधन करके जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 जो है दोबारा संशोधन करके नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आती है। तो यानी दोबारा आई, दोबारा आया। तो आज से हमने बनाया था आठ बनाते हैं, आज से हमने आठ बनाते हैं, तो दोबारा आया यानी दो बार क्या बनाएंगे आठ आठ। ठीक है, आप ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो आठ आप नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान है कि पहला जो फॉरेस्ट पॉलिसी आया था वो 52 में आया था, तो दोबारा वाला कैसे इससे पहले कैसे आ सकता है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो दोबारा आया, आया से मतलब दो बार आठ आठ आपको लिखना है, तो 1988 हो गया यार। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं कि देखिए ये स्वतंत्र, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जो थी वो कब आई थी, तो स्वतंत्र भारत की जो है पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, जिसको हमने पान दो से याद किया था, तो वो 1952 में आई थी। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो ये ध्यान रखिएगा वो आई थी 1894 में। ठीक है, और वैसे ये भी जो थी वो स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता से पहले आई थी, लेकिन अगर ये इतना नहीं पूछता है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि जो है स्वतंत्रता से पहले जो है पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, वो 1984 में आई थी। इसको देखिए कभी कहीं आपको किस तरीके से लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ये इस तरीके से मिलेगा NFP यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो हमने इसमें चार नहीं बल्कि पांच पॉइंट्स देखे, एक तो पहली वन नीति 1894 में आई थी, उसके बाद ये सभी हमने याद किया। तो क्लियर, इसके बाद से अब आगे देखते हैं। हमने ये देख लिया था फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, अब हम याद करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड। तो देखिए ई से हम देखिए पहला हम देखते हैं, पहला हम याद करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आता है 1986 में। उसके बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड एक और है आपको ध्यान रखना है, नेशनल एनवायरमेंट एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में।
तो ये दोनों देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हमने इससे पहले फॉरेस्ट से रिलेटेड पढ़ा था, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड वाला जो है यानी पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही आसान है याद करना। देखिए क्या है ट्रिक इसकी, एनवायरनमेंट यानी ई अगर पहले आता है तो हम देखिए याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। ई को हम बड़े अक्षरों में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई हमने ऐसे लिखा, अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1986 में क्या आता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्लियर। तो एनवायरनमेंट ई हमने लिखा दो बार, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कैसे लिखेंगे। ई हमने ऐसे लिखा, दो बार लिखा ई, उसके बाद जब हमने ऐसे करेंगे 8 बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है वो 1986 में आता है। उसके बाद नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हमने दो बार लिखा था। ये देखिए ये पहले आ रहा है एनवायरनमेंट तो हम इसे दो बार लिखेंगे, यहाँ एनवायरनमेंट बाद में आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। तो ई जो है ऐसे लिखा हमने और सिर्फ इसको जैसे ऐसे बना देना है। तो ये कब आया था, 2006 में, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आती है 2006 में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 में। ये बहुत ही आसान ट्रिक थी, बस आपको एनवायरनमेंट यानी ई से रिलेटेड ही जो आएगा जैसे वैसे ही आप समझ जाएंगे ई हमको कैसे बनाना है। देखिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ई पहले आता है तो हम दो बार लिखेंगे, अगर दूसरे पोजिशन पर आता है तो एक बार लिखेंगे, तो यानी एक से हम क्या बनाएंगे 6। वैसे भी लास्ट में दोनों में ही 6 आ रहा है तो आप समझ जाएंगे, क्लियर। देखिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से, बायो डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 2002 में, 2002। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए बी की पोजीशन क्या होती है, तो बी जो है अल्फ़ाबेट, अगर सीरीज देखें आप लोगों ने रीजनिंग तो पढ़ा ही होगा, तो बी की पोजीशन जो होती है वो दो होती है। बी की पोजीशन कितनी होती है, दो होती है, बस यहाँ पे 2-0 लिख दीजिए, याद हो गया। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 2002 में, बी की पोजीशन दो होती है, दो दो के बीच में 2-0 लग रही है। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद देखिए हम याद कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आया था 1972 में। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ से बनाएंगे हम वाटर, एक है W से हम देख रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974 में। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा था, वाइल्ड लाइफ को कैसे ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखिए जब हम जाते हैं फॉरेस्ट, इंडिया के जंगलों में जब हम जाते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट में जब हम दोनों दोस्त जब साथ में गए थे तो वहाँ पे उनको बहुत ढेर सारी वाइल्ड लाइफ मिली थी। क्या मिली थी, बहुत ढेर सारी वाइल्ड लाइफ मिली थी। तो हमने देखा था कि इंडिया के फॉरेस्ट में वो कब गए थे, दोनों साथ में गए थे यानी 2-7, और 2-7 को जब हम उल्टा कर देंगे तो ये बनेगा 72 यानी 1972 में, क्लियर। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन एक्ट को कैसे ध्यान रखेंगे, तो वाटर कंजर्वेशन एक्ट को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखिए वाइल्ड लाइफ W से वाटर, तो देखिए वाटर जो होती है दो बूंद, किसी प्यासे के लिए जो है दो बूंद ही कितना ज़रूरी होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो दो बूंद से इसमें +2 कर लीजिए। या फिर आप लोगों को पोलियो का एड सुना होगा ना, दो बूंद जिंदगी की, तो +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 74, क्लियर। तो W में हमने वाटर में देखिए, वाटर देखेंगे आप तुरंत ही आपको ध्यान आएगा दो बूंद जिंदगी की, ठीक है, तो वाटर से +2 कर लेंगे वाइल्ड लाइफ वाले में, तो ये हो जाएगा 1974। वैसे भी आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर, अगर आपको याद हो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में आया था,
तो 1973 से पहले क्या है, देखिए टाइगर से पहले प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर से पहले डब्लू, टाइगर से बाद डब्लू, है ना। तो वाइल्ड लाइफ और वाटर याद हो जाएगा, टाइगर से पहले डब्लू, टाइगर के बाद डब्लू। तो टाइगर आपको याद है, यानी कई मैथड ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ वही आप ध्यान रखिए। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, टाइगर से पहले डब्लू, टाइगर के बाद डब्लू। तो 1974 में जो था, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और वाटर कंजर्वेशन एक्ट कब था, 1974 में। तो ये ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से भी, ओके। तो ये भी हमने देख लिया, उसके बाद आगे देखते हैं। अब जो है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्शन प्लान से रिलेटेड, यानी जिस भी एक्ट या पॉलिसी में अगर एक्शन प्लान आता है तो उनकी क्या ट्रिक होगी एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान से रिलेटेड हम दो पढ़ेंगे, वो क्या है देखिए, पहला हम देखते हैं नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन एक्शन प्लान, ये आता है 2008 में। उसके बाद दूसरा एक्शन प्लान से देखिए, इसमें एक्शन प्लान आ रहा है नेशनल एक्शन प्लान, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी कब आता है 2008 में। तो हमने देखा था एक्शन प्लान से रिलेटेड, देखिए इसमें भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए पॉलिसी एक्ट तो हमने बहुत सारा बनाया, लेकिन उस पर एक्शन लेना, ठीक है, एक्शन लेना उतना ही ज़रूरी है। तो बोलते हैं ना, जब कोई निर्णय लेते हैं तो बोलते हैं आज के आज मैं एक्शन लेता हूँ। तो आज के आज ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, आज के आज आज के आज जो है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्शन प्लान हम क्या देखिए, जो हमने देखा था नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये भी 2008 में, आज हम आज से क्या बना रहे थे, आठ बना रहे थे 2008, और इसके लिए भी हम बनाएंगे 2008। यानी एक्शन प्लान जहाँ भी आपको दिखे वहाँ जो है वो 2008 आप कर दीजिएगा। यहाँ बायोडाइवर्सिटी आ रही है, तो बायोडाइवर्सिटी को हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट, वो था कब, 2002 में। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, तो एक्शन प्लान को है ध्यान रखिएगा कि एक्शन प्लान वाला कब था, 2008 में, क्योंकि आज के आज एक्शन लेना पड़ेगा। तो यानी आज के आज, आज से क्या बनाएंगे, 8, तो यानी 2008। तो ये था एक्शन से रिलेटेड, एक्शन प्लान से रिलेटेड। सो दैट्स इट, ये था पूरा जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, जितना भी मुझे लगा कि जो एक्ट और पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, जो बताने लायक है, वो हमने आपको बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।